फ्रेंड्स, हम कभी भी सीजनल प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं, चाहे आप गर्मियों में लगाइए, चाहे आप सर्दियों में लगाइए, चाहे बारिश में लगाइए। हमारी कोशिश ये रहती है कि फूलदार पौधों में हमारा जो पौधा है वो फूलों से भरा रहे। उसके लिए कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो खाद हो गई, दूसरी मिट्टी हो गई, और तीसरा उसका हो गया पॉट सिलेक्शन। अब आपको किस किस समय में किस प्रकार की खाद डालनी है, कैसे पॉट सिलेक्शन करना है, इसका अनुभव होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं उनकी मिट्टी में बिल्कुल एकदम सख्त मिट्टी लेते हैं। तो कभी भी जब भी आप पौधा लगाते हैं तो पिंचिंग का आज हम बात करेंगे कि पिंचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं पिंचिंग के। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये मैंने घर पे ही ग्रो किया था, ये पिटूनिया का मेरा पौधा है। और इसमें अभी सिर्फ कितनी दो ही आपको दो या तीन डाल दिख रही होंगी, और ये मैंने 6 इंच के एक पॉट में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसकी पॉटिंग सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। तो पौधे की पॉटिंग सॉइल ऐसा होना चाहिए, एकदम वेल ड्रेन्ड हो, जिसमें प्लांट की रूट्स इजीली फैल सके। अभी देखिए, ये फुल सन में रखा हुआ है और इसको अभी रिपॉट किया 1 वीक पहले, इसलिए ये पौधे जो हैं थोड़ा सा मुरझा रहे हैं। तो सॉइल देखिए ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए एकदम जब आप ऐसे इसको गुड़ाई करें तो ये ऐसे निकल जाए, ऐसे हल्के हल्के हाथ से निकल जाए। तो इसको फ्रेंड्स, ये जो पॉटिंग सॉइल हमने बनाई है, इसमें 25% जो हमने ली है वो गार्डन सॉइल ली है, 25% इसमें कोकोपीट लिया है, 25% इसमें हमने कहना चाहिए 25 ये राइस हस्क लिया है। राइस हस्क यदि आप बढ़ा सके या नहीं है तो भी चल जाएगा, और बाकी जितना प्रमाण था वो हमने वर्मी कॉम्पोस्ट का लिया है। वर्मी कॉम्पोस्ट इसीलिए क्योंकि वो माइल्ड होती है, एक तो अच्छे से बनी हुई होती है, साथ ही उसमें एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। और गोबर की खाद में प्रॉब्लम ये होती है कि यदि वो प्रॉपरली पका हुआ नहीं है या बना हुआ नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो ये जला देता है लीव्स। तो इस तरीके की लाइट पॉटिंग सॉइल हमने बनाई है, और इसमें बस हमने जो पौधा लगाया, इसमें हमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम करना है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि ये काफ़ी बुशी हो जाए। तो बुशी होने के लिए हमने रूट्स को तो दे दी खाद, अभी हमको इसको बुशी बनाने के लिए, इसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीज करने के लिए हमें जो ये काम करना है कि देखिए, यहाँ टिप पे ये कली बन रही है, ये आप देख रहे हैं, ये छोटी सी कली बन रही है, ये इधर दिख रही होगी। तो हमको इसको यहाँ से कट कर देना, जब हम यहाँ से कट कर देंगे और ये यहाँ से इसको भी हम कट कर देंगे, ये हो गई पिंचिंग, इसे हम कहते हैं पिंचिंग। तो पिंचिंग में क्या करते हैं, आप टिप की जो ब्रांचेस रहती हैं या टिप रहती है उसको हम कट करके हटा देते हैं। तो उससे ये जब यहाँ से ब्लंट हो जाता है तो साइड से यहाँ से शूट्स निकलती हैं, जिसमें नई नई शाखाएं निकलती हैं और जिसमें नई नई कलियाँ भी निकलती हैं। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना, देखिए अभी तो हम इसे छोड़ देंगे, सेम ऐसे ही देखिए, ये पेंजी का पौधा है। अभी इसमें आप देख रहे होंगे ये कुछ पिंच मैंने किया हुआ, यहाँ की जितनी कलियाँ थी मैंने निकाल दी, क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि जब हम इसको ऊपर से पिंच कर देंगे तो इसकी रूट्स को एनर्जी मिलेगी। और ये देखिए, ये जो कली यहाँ बन रही है इसको भी हम पिंच करके हटा देंगे। तो जब ये रूट्स को एनर्जी मिलेगी, उस समय जब भी कभी आप पिंच करें, तो एक चीज़ और हमें करना है कि मैं जो है ये है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है कि हमें किस तरीके से बनाना। तो ये वीकली बेसिस पे, नहीं तो हर 10 दिन में आप डालिए। तो इस तरीके से आप किनारे किनारे डाल दीजिए, और साथ में इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल लीजिए आप। तो एप्सम सॉल्ट से होगा ये कि पत्ते भी ग्रीन रहेंगे, जो आप नरिशमेंट डाल रहे हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये उसके बाद में आप 1 महीने बाद आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, हर बार ये छोटी छोटी कलियाँ निकल रही हैं। हर बार मैं सिर्फ ये काम करती हूँ, इनको पिंच कर देती हूँ, ये यहाँ से हमने पिंच किए तो इसके साइड ब्रांचेस निकलने लगते हैं। और ये यहाँ से देखिए, सॉइल इसकी ड्राई है, हमको ड्राई साइड में रखना, पिटूनिया को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। ये आप देखिए, सॉइल इसकी ड्राई है, और जब भी कभी पिंचिंग करते हैं इसमें, तो बस पिंचिंग करने के बाद में खाद ज़रूर मैं दोबारा से डाल देती हूँ, तो उनसे जब उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे जो है पौधे कलियों से भर जाते हैं। अभी इन सबको हमें कब तक पिंच करना, कम से कम इतना पिंच कीजिए कि ये पौधा, छोटा सा जो पौधा, ये इतना घना हो जाए। इसके और मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए, हमने पेंजी को पिंच कर करके ये इस तरह छोटा सा ऐसा पौधा लेकर आए थे, इससे भी छोटा सा था, और ये देखिए
बस मैं यही काम करती हूँ कि बस जहाँ कलियाँ दिखी उनको पिंच कर देती हूँ, क्योंकि फूल बनाने में काफ़ी एनर्जी लगती है पौधों को, तो इसीलिए उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। और जब हम यहाँ से पिंच करते हैं तो ये देखिए कितनी शाखाएं निकली हैं, 1-2 और यहाँ पे ये 3-4, तो ये पौधा देखिए पूरा फैल गया, भर गया। और कोई खाद नहीं जो हमने पॉटिंग सॉइल में मिलाई थी, वो खाद हमने बस इसमें जो रूट्स के लिए गई थी, और उसके बाद में लिक्विड फीड हम देते हैं। और साथ ही देखिए ये वर्बीना में भी मैंने पिंचिंग कर करके अभी देखिए ये और निकल रही है इनकी, ये जितने भी ये फ्लावर्स हैं इनको भी हम पिंच कर देंगे, ये ऊपर से पिंच कर देंगे यहाँ से, तो ये साइड से उनके और फ्लावर्स निकल आएंगे, ये खिलने नहीं देना बस, तो ये क्या होगा ये पूरा भर जाएगा। तो ये देखिए सॉइल का भी हमको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। जब सॉइल ऐसे ड्राई होने लगे और भी इससे ड्राई हो जाए, अभी इसमें काफ़ी नमी है, यदि हम आज इसमें ये देखिए ये इसकी रूट्स बढ़ रही है, ये देख रहे हैं आप वाइट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये, तो इस समय ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टूट गई, ये वाली काफ़ी ब्रिटल होती हैं, ये वाली बहुत ही नाजुक होती हैं। तो बस हमको क्या करना, हल्का हल्का जब भी आप कभी ऐसे पिंच कर दें तो आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है, या कॉम्पोस्ट ही आप बना सकते हैं, यदि घर में कॉम्पोस्टिंग करते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट है तो उस तरीके से आप। और ये देखिए ये जो है आप देख रहे हैं ये लीफ माइनर इसमें हो गया है, तो ये इसको हमको पत्ती को हमको पिंच करके निकाल देना, तो जब हम इस तरीके से निकाल देंगे तो ये दूसरी जगह फैलेगा नहीं। ये देखिए 2-3 पत्तियों में जैसे ही दिखे शुरुआत में, तो इस तरीके से आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। और जब भी आप वीकली उसमें दें लिक्विड फीड तो बस इतना ध्यान रखिए कि सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा जल्दी मत कीजिए, क्योंकि जब रूट्स वीक होती हैं तो प्लांट जो है मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पौधे का ध्यान रखें और काफ़ी बुशी जो है आप अपने पौधे को बना सकते हैं, और एक ही पौधे से कई फ्लावर्स आप ले सकते हैं। तो जब रूट्स स्ट्रांग होती हैं तो फ्लावर्स भी अच्छे आते हैं और सीड्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। अभी मेरे यहाँ बगीचे में लास्ट ईयर पिटूनिया के इतने सारे सीड्स प्लैटर हो गए कि जगह जगह पिटूनिया, ये जो है ये सब वैसे ही ग्रो हुए, इनको मैंने अलग से लगाया नहीं, जगह जगह पिटूनिया हो गए और उसी को मैंने शिफ्ट कर दिया और पिंच कर दिया। इसके रिजल्ट्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।